बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको बताया कि नाश्ता वीक चल रहा है, मैं आपको नाश्ते बनाना सिखा रही हूँ, लाहौरी नाश्ते। आज हम बनाएंगे अंडा पराठा साथ लस्सी। सबसे पहले लस्सी बना के फ्रीजर में रख लेंगे ताकि वो ठंडी रहे, गर्म ना हो, फिर हम पराठे वगैरह बना लेंगे। लस्सी के लिए मैंने एक प्याली दही, आधी प्याली चीनी, एक कप दूध, थोड़ी सी बर्फ और थोड़ा सा पानी लूंगी। सबसे पहले मैं जग में ये चीनी डालूंगी। चीनी कम ज्यादा आप अपने जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं। अब इसमें हम दही डालेंगे। थोड़ी सी बर्फ डालेंगे। एक कप दूध, एक कप दही में एक कप ही दूध जाएगा। और एक गिलास पानी। दो मिनट के लिए मैं मशीन चला लूंगी। दो मिनट मशीन चलाई है, ये देखिए कितनी जग वाली लस्सी तैयार हो गई। इसे किसी जग वगैरह में निकाल के फ्रीजर में रख लूंगी, ठंडी रहे। अब हम आमलेट के लिए अंडा तैयार कर लेंगे। तीन अंडे लिए हैं, थोड़ा सा धनिया और एक हरी मिर्च, नमक दो चुटकी, सुरह मिर्च आधी टीस्पून और काली मिर्च भी आधी टीस्पून, बल्कि ये आप अपनी जरूरत के मुताबिक भी कम ज्यादा कर सकते हैं। प्याज चॉप किया हुआ एक टुकड़ा लिया है और थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा ही अदरक मैंने लिया। तीन अंडों के लिए ये देख लें कितना कितना मैंने लिया है, सब कुछ सब नजर आ रहा है। सबसे पहले हम अंडे फेंट लेंगे। पहले नमक मिर्च वगैरह नहीं डालेंगे, सबसे पहले हम सब्जियां डालेंगे। प्याज टमाटर और अदरक डाल दिए। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करेंगे। जब सब्जी अच्छी तरह हम मिक्स कर लें फिर इसमें ये नमक मिर्च वगैरह शामिल करेंगे। ये देखिए ये आमलेट का मैंने अंडा तैयार कर लिया है, इसको साइड पे रखेंगे और अब पराठे की तैयारी कर लेंगे। अब देखिए मैंने मुनासिब साइज में थोड़ा सा आटा ले लिया है, ये सिंपल आटा, सिर्फ जैसे घर में आम गूंधते हैं वैसे मैंने गूंधा हुआ है, जो भी आटा आप इस्तेमाल करते हैं वो वाला आटा। इसका पेड़ा बनाएंगे क्योंकि मैं बरकी पराठे बना रही हूँ नाश्ते पे, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है बरकी पराठा। देसी घी लगाएंगे, चाहे थोड़ा लगाएं या ज्यादा, लेकिन देसी घी ही लगाएं नाश्ते में। ऑयल में मुझे नहीं पसंद पराठे बनाना। ये देखिए इसे आराम से फोल्ड करते हुए इस तरह इस तरह। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करेंगे इस तरह करेंगे कि ये वर्की पराठे तैयार हो। सेंटर में से इसको इस तरह कट करेंगे और इसको ये देखिए इस तरह करेंगे, ये सारे वर्क खुल के, और इसको ये घुमाते हुए ये पराठे का पेड़ा तैयार कर लिया मैंने। ये एक पेड़ा तैयार हो गया। अब मैं दूसरा पेड़ा एक और आपके सामने करूंगी ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए।
ये दूसरा पेड़ा भी तैयार हो गया। अब हम रोटी पकाना शुरू करेंगे। तवा मैंने रख दिए चूल्हे के ऊपर। अब एक पेड़ा लेंगे हल्का सा, इसको हल्के हाथ से ही कोशिश करें हो जाए, ज्यादा जोर लगा के बेलन नहीं चलाना वरना परते जो उनसे वो बैठ जाती हैं। बहुत लाइट हल्का जैसे हवा में हल्का सा टच हो रहा है बस बेलन, और मैं रोटी बना रही हूँ। बकाया मैं हाथ से ही बना लूंगी। तवा गर्म हो गया, चूल्हा थोड़ा सा तेज करेंगे और रोटी ऊपर डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह। और इधर मैं दूसरी रोटी भी तैयार कर लूंगी। जब कलर तब्दील हो जाए तो इसको पलट लेंगे आराम से। एक चम्मच घी लगाऊंगी मैं बस। चूल्हा बस ज्यादा तेज नहीं करना, फिर पराठा जल जाता है। हल्के चूल्हे पे यानी कि मीडियम हीट पे ही इसे पकाएंगे। ये घी लगा दिए और अब मैं घी को दूसरी साइड में, ये देखिए इस तरह शिफ्ट करके, और इसको हल्का सा चला दूंगी। ये देखिए दोनों पराठे तैयार हो गए। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है और इसकी लेयर्स देखिए। अब हम आमलेट बना लेंगे। बहुत जल्दी नाश्ता बन जाता है। और जी मैं आमलेट डाल दिए मैंने। आप कट्ठा डालना चाहते हैं कट्ठा डाल लें, अगर दो पोर्शन में करना चाहते हैं तो कर लें। इसको ज्यादा फैलाना भी नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा जी आज का नाश्ता भी बहुत पसंद आएगा और आप जरूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको मेरा नाश्ता कैसा लग रहा है बनाना। जब हम इतनी डिशे बनाते हैं तो हमें नाश्ते भी बनाने आना चाहिए। आराम से इसे पलट लेंगे, ज्यादा डार्क नहीं करना। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत आमलेट बना है। बहुत ज्यादा घी में आमलेट मत बनाएं, वो अच्छा नहीं बनता। बस मुनासिब घी में बनाएं। और ये देखिए दबा के, ये जो अंदर से कच्चा है इसको बाहर आने दें, फिर पलट लेंगे एक बार। अब मैं दूसरा आमलेट भी इसी तरह बनाऊंगी। इसको प्लेट में निकालेंगे। ये दूसरा आमलेट भी तैयार हो गया। एक गिलास में अब हमने ये लस्सी डालनी है।
जो लस्सी तैयार की थी ये मैं गिलास में डाल रही हूँ। ये लस्सी लाहौर में जब तक ऊपर ये जाग ना आ जाए उसे सही तरह कहते हैं ये लस्सी बनी ही नहीं। इसकी निशानी है लाहौरी लस्सी की। अचार मैंने निकाला है, बनाना सिखाया हुआ है, साथ प्याज टमाटर काट दिया है, आमलेट और पराठा। प्लीज बनाएं, इंजॉय करें, इसी तरह ट्रे में डाल के अपने बुजुर्गों को, मेहमानों को, अपने बच्चों को पेश करें ताकि वो खुश हो जाएं और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दें। और मैं भी अब नाश्ता करने लगी हूँ। प्लीज बनाएं, इंजॉय करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको ये कैसी लग रही है, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।